2019 का मॉडल ड्यूक 250 है, इसका प्राइस पड़ जाएगा ओनली 1,35,000 ओनली। एक्सपोर्ट गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन गाड़ी है, रिफाइनेंस इसका अवेलेबल है। एक्सपोर्ट से 2022 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर फोर बल्ब मॉडल है, कलर एकदम बहुत ही फ्रेश कंडीशन गाड़ी है, 12,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, इसका प्राइस पड़ जाएगा सिर्फ 90,000। 2022 का मॉडल N250 7,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, फ्रेश कंडीशन है, इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,15,000 ऑन। 2023 का मॉडल है, 11 महीने का गाड़ी है, 11,000 चला हुआ गाड़ी है, ऑल पेपर अपडेट फ्रेश कंडीशन गाड़ी है, इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,55,000 ऑन। 2022 का मॉडल 8,000 चला हुआ येसी स्क्रैम्बलर है, इसका प्राइस पड़ जाएगा सिर्फ 1,40,000। हेलो एवरीवन, तो आज वापस से आ चुके हैं हम लोग एक और सेकेंड हैंड शोरूम पे, जो है सिलीगुड़ी में, जहाँ पे आपको आपकी ड्रीम बाइक मिलने वाला है। अगर आपको पसंद है एनफील्ड 350 क्लासिक तो यहाँ पे लंबा लाइन आता है एनफील्ड 350 क्लासिक का, या फिर अगर आपको पसंद है ये भी स्क्रैम्बलर तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर मैं कहूँ आपको पसंद है MT भाषण 4, सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा ईस्टर्न बाइक बाजार पे। और ये शोरूम का है लोकेशन, हर एक बाइक के बारे में जानकारी देने वाले शोरूम के ओनर सोमदा जो हमारे साथ है। हेलो दादा। हेलो, क्या हाल चाल है? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बता दो भैया कि ये जो शोरूम है ये कहाँ पे है, लोकेशन क्या है शोरूम का? ये लोकेशन है आपका सिलीगुड़ी स्टान बाईपास रोड नियर आसीगर मोड़, ऑपोजिट लोकनाथ मंदिर, लोकनाथ बाजार। ऑपोजिट लोकनाथ मंदिर, लोकनाथ बाजार, आसीगर रोड, आसीगर मेन रोड है। अच्छा, इसको स्टान बाईपास कहा जाता है, जो कि आसीगर मोड़ के एकदम सामने है, पेट्रोल पंप के सामने ही। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा एड्रेस डिटेल्स मिल जाएगा, नीचे भी नंबर आ रहा होगा। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए इधर से दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो RTR से शुरू करते हैं। क्या से शुरू करते हैं? ये है RTR 2019 का लास्ट का 20 का मॉडल बोल सकते हैं, 180 है, जिसका प्राइस पड़ जाएगा 65,000। इसका जो बाजू में आप दिख रहे हैं ड्यूक 250 है, 2019 मॉडल है, इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,35,000। मार्केट में 40-45 के नीचे आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट ओनर है क्या ये? ये हाँ, फर्स्ट ओनर ही है। उसके बाजू में जो है RTR 200 है, BS6 है, 2021 का दिसंबर 20 का दिसंबर का मॉडल है, ऑल पेपर अप टू डेट फ्रेश कंडीशन गाड़ी है, इसका प्राइस पड़ जाएगा आपका सिर्फ 82,000 ओनली। 82,000। और उसके बाजू में जो आपको दिख रहा है 220 है, 2018 मॉडल, BS4 गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, पेपर ओके है। अच्छा, इसका प्राइस पड़ जाएगा ओनली 62,000 में ये 220। अच्छा, और ये नेगोशिएबल है ऑलमोस्ट, लेकिन जो कस्टमर अगर आता है ऑलमोस्ट ऑन टेबल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R15 वर्जन 3 है, 2019 मॉडल गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, इसका प्राइस रिफाइनेंस हो जाएगा, इसका प्राइस पड़ जाएगा 98,000 ओनली। 98,000 हो जाएगा। अंडर 1 लाख के अंदर में जो भी वर्जन 3 चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, 98,000 में आपको ये वर्जन 3 मिल जाएगा। ओके। और उसके बाजू में जो आपको दिख रहा है जिक्सर SF है, जिसका 1.5 लाख के ऊपर नया का प्राइस है, BS6 गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, ऑल पेपर अप टू डेट है, डुअल चैनल ABS मॉडल है, वेल मेंटेन गाड़ी है, ऑल पेपर अप टू डेट है, इसका प्राइस पड़ जाएगा ओनली 68,000। 68,000 ओनली, 4,000 में ये गाड़ी मिल जाएगा। ये भी 20 का लास्ट का गाड़ी है, BS6 है। ये जो दिख रहा है एक्सपल्स, ये 2022 का मॉडल है, BS6 है, इसका प्राइस जो पड़ जाएगा, इसका पड़ जाएगा आपका सिर्फ 90,000। 22 का मॉडल, 22 का मॉडल, 4 बल्ब मॉडल है, 12,000 चलो वाला गाड़ी है, ABS के साथ है, न्यू मॉडल है, लेकिन ये वाला न्यू मॉडल कंडीशन में है, कलर ब्लू एंड ब्लैक में है। और कौन कौन से एरिया के अंदर भैया आप रिफाइनेंस करते हैं? रिफाइनेंस जो है अलीपुर, कोचबिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, दार्जिलिंग, नॉर्थ बंगाल के सभी जिले में होते हैं। कुछ कुछ जगह पे कुछ मतलब सिविल का अगर गड़बड़ी है चलिए तो फिर नहीं होगा। अलीपुर का कोई भी आदमी अगर फाइनेंस मिलना चाहते हैं तो उनको सिविल होना पड़ेगा। अच्छा, अगर सिविल अच्छा नहीं भी है तो डाउन पेमेंट हाई होना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल अच्छा होना, ठीक है। उसके बाद पल्सर, इसके बाजू में जो दिख रहा है आपको पल्सर है, ब्लैक कलर में है, 2016 मॉडल गाड़ी है, ओनली 45,000 का 180 मॉडल मिल जाएगा, 180। उसके बाजू में जो दिख रहा है आपको पल्सर 150 है, 2014 का लास्ट का है, 15 मॉडल, बहुत ही फ्रेश कंडीशन गाड़ी है, एकदम स्क्रैचलेस गाड़ी है, इसका प्राइस पड़ जाएगा ओनली 37,000। उसके बाद
इसके बाद में जो दिख रहा है आपको FZS है, वर्जन 2 है, फर्स्ट ओनर ऑल पेपर अपग्रेड गाड़ी है, सील्ड इंजन वेल मेंटेन गाड़ी है। इसका प्राइस पड़ जाएगा आपका सिर्फ 45,000 ओनली। 45,000 कौन सा मॉडल है ये? 2016 का दिसंबर का है, 17 का मॉडल। उसके बाद में जो दिख रहे हैं वो 18 मॉडल गाड़ी है, BS4 है, FZ वर्जन 2। उसका प्राइस पड़ जाएगा 50,000 ओनली। 50,000 में रिफाइनेंस होगा? रिफाइनेंस हो जाएगा। कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? दोनों इधर रिफाइनेंस हो जाएगा। एफजी में कितना डाउन पेमेंट लगभग करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट 20 करने से हो जाएगा, 20 लाने से हो जाएगा ना? ठीक है। उसके बाद जिनको एनएस की तलाश है तो एनएस भी है यहाँ पे, क्या डिटेल्स है उसका? एनएस जो है, एनएस 2019 का लास्ट का गाड़ी है, डुअल चैनल एबीएस है, व्हाइट कलर में गाड़ी है। इसका प्राइस पड़ जाएगा ओनली 85,000 एबीएस मॉडल, एबीएस मॉडल मिल जाएगा। उसके बाद इसके इधर जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक कलर में है, ये 19 का लास्ट का 20 का मॉडल है, इससे थोड़ा हाई मॉडल है। हाँ, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, फर्स्ट ओनर, बहुत ही कम चला गाड़ी है, वेल मेंटेन्ड है, डिफेंस फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। इसका जो प्राइस पड़ जाएगा आपका ओनली 90,000 है। 2022 का लास्ट का गाड़ी है, फर्स्ट मतलब 23 का मॉडल है, 23 का बोल सकते हैं। इसका प्राइस जो पड़ जाएगा आपका 1,15,000, 1,15,000 में प्राइस का लास्ट का M250 आपको मिल जाएगा। ठीक है, MT है 2021 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, ऑल पेपर अपग्रेड, फ्रेश कंडीशन गाड़ी है, रिफाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,30,000 BS6 MT 2021 मॉडल का। अच्छा, बाजू में जो दिख रहा है ये है 23 का गाड़ी है, 2023 का MT है, वर्जन 2 है, न्यू मॉडल है, जो मोनोसकर जो ये आपका दिख रहा है येलो कलर में, USD4 का ये नया मॉडल में आता है। इसका प्राइस पड़ जाएगा आपका सिर्फ 1,48,000 ओनली। 1,48,000 इधर जो है, ये वर्जन 4 है, 2023 का ही मॉडल है, 11 महीने का गाड़ी है, 11,000 दिखाओ भाई, एकदम बहुत बढ़िया कंडीशन है, 11,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, सिर्फ 11,000 चला हुआ गाड़ी है, रिफाइनेंस अवेलेबल है, ऑल पेपर अपग्रेड है। इसका प्राइस जो पड़ जाएगा आपका 1,55,000 ओनली, 1,55,000 चला हुआ। और अगर 1,55,000 में कोई रिफाइनेंस करना चाहे, कितना डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट 60,765 में हो जाएगा ना, 65,000 वर्जन 3 है, 2019 का, ये भी 19 का मॉडल है, ब्लू। अच्छा, कलर में बहुत ही फ्रेश कलर है। इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,05,000 19 का लास्ट का मॉडल। उसके बाद स्क्रैम्बलर, इसके बाद में जो है ये स्क्रैम्बलर है, 2022 का मॉडल गाड़ी है, 8,000 किलोमीटर चला हुआ, 8,000 चला हुआ, फर्स्ट ऑनर, ऑल पेपर अपग्रेड, रिफाइनेंस अवेलेबल है। इसका प्राइस जो पड़ जाएगा आपका 1,40,000, 1,40,000 के ऊपर गाड़ी का प्राइस है। डेढ़ साल का गाड़ी है, ऑलमोस्ट 50% दाम में आपको मिल जाएगा इस टाइम बाइक बाजार में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे भैया का नंबर आ रहा होगा, भैया के साथ जरूर कॉन्टेक्ट करना। उसके बाद जावा है, 2019 का लास्ट का मॉडल है। अच्छा, वेल मेंटेन गाड़ी है, इसका प्राइस पड़ जाएगा सिर्फ 85,000 अच्छा। और जावा में कौन सा मॉडल है ये? जावा 42 मॉडल। ठीक है, उसके बाद एनफील्ड सेक्शन में अभी हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे पहला 350 क्लासिक, ये एनफील्ड में ये BS4 है, 2018 का मॉडल है, ड्यूअल चैनल, सॉरी ड्यूअल एल्यूमिनियम से आया ये मॉडल। इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,15,000 अच्छा। इसके बाजू में जो दिख रहा है, ड्यूअल चैनल ABS, ड्यूअल एलुविल देके, 20 का मॉडल है, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन गाड़ी है, बुलेट क्लासिक है, फर्स्ट ओनर, ऑल पेपर अपग्रेड है, रिफाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल। इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,45,000 ओके। वो वाला जो मॉडल आपको दिख रहा है वो भी रेड एंड ब्लैक में है, वो 19 का लास्ट का है, उसका प्राइस पड़ जाएगा 1,35,000, मतलब 10,000 का फर्क है, 10,000 का फर्क है दोनों मॉडल में 19 का, 20 का मॉडल में 10,000 का फर्क है, 10,000 का फर्क है। उसके बाद में कलर एक ही है। उसके बाजू में जो दिख रहा है आपको ये एक और एनफील्ड एक गनमेटल ग्रे में आया, ड्यूअल चैनल ABS, ड्यूअल एलो व्हील देके आता है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, ऑल पेपर अपग्रेड, फ्रेश कंडीशन है, BS6 है। इसका प्राइस पड़ जाएगा 1,50,000 ओनली, 1.5 लाख में, 1.5 लाख मिल जाएगा। और कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट ये भी आपका 60,000 डाउन पेमेंट करना। अच्छा, 60-70,000 में हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद ब्लैक कलर में ये आपका 2017 मॉडल गाड़ी है। अच्छा, 17 का लास्ट का है। इसका प्राइस जो है पड़ जाएगा 1,10,000 ओनली, 1,10,000 17 का मॉडल। कितना चला हुआ वो 17 का? ये आपका 17,000 जैसा चला हुआ है। अच्छा, क्या 17 की मॉडल में रिफाइनेंस होगा? रिफाइनेंस हो जाएगा। 1,10,000 में कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 1,10,000 में 40,000 तक डाउन पेमेंट करने से हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा ना, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए बस। और ओनरशिप चेंजेस का क्या है, कि आप लोग करवा के दोगे या फिर बायर को पैसा देना पड़ेगा? बायर को देना पड़ेगा। गाड़ी में
ये जो रेट है, ये जो रेट बोला ये बाइक का रेट बोला, सिर्फ बाइक का रेट है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग स्टेट का जो भी कस्टमर आते हैं उनका अलग अलग ट्रांसफर का फीस जो है अलग अलग आता है, इसीलिए वो अलग से आता है। उसके बाद चलते हैं स्कूटी की सेक्शन में, तो यहाँ पे ढेर सारे स्कूटी अवेलेबल है। अगर आप इंट्रॉक की शौकीन है तो इंट्रॉक यहाँ पे अवेलेबल है। क्या डिटेल्स है इसका? इंट्रॉक ये वाला है BS6 है। ये भी बीस का लास्ट इक्कीस का मॉडल है। इसका प्राइस पड़ जाएगा 55,000 55,000 बीस का लास्ट, बीस का लास्ट का इक्कीस का बोल सकते हैं। BS6 है, लेकिन BS4 नहीं है। BS6 फुल गार्ड वुड लगा हुआ है, लुकिंग ग्लास फुल्ली पैकिंग गाड़ी है। इसका प्राइस पड़ जाएगा 55,000 में रिफाइनेंस होगा, रिफाइनेंस हो जाएगा 20,000 का। बहुत बढ़िया, 55,000 में भी रिफाइनेंस। ये वाला गाड़ी है 2022 का मॉडल है, फैसिनो है। इसका प्राइस पड़ जाएगा 57,000 का मॉडल। याद रखिए 20 का नहीं, 21 का नहीं, 22 का मॉडल, 22 का मॉडल 57,000। उसके बाद एविएटर भैया, ये वाला जो है एविएटर 13 मॉडल गाड़ी है। हाँ? इसका प्राइस पड़ जाएगा सिर्फ 27,000। ये वाला जो है 5G है, BS6 है, 2020 का मॉडल है। इसका प्राइस पड़ जाएगा सिर्फ 52,000 BS6 मॉडल। ये जो है ये एक्टिवा 125 है, 2016 का 17 मॉडल गाड़ी है, फुल स्क्रैचलेस गाड़ी है। इसका साथ जो है ये गार्ड जो आता है बॉडीगार्ड फ्री है वो आप दोगे? हाँ, ये बॉडीगार्ड फ्री है इसके साथ। अच्छा, गाड़ी फुल्ली सर्विस करके देंगे। इसका प्राइस पड़ जाएगा ओनली 35,000 रुपया। कितना? 35,000 रुपया, सिर्फ 35,000 में एक्टिवा। ये वाला भी है एक्टिवा 3G, इसका भी प्राइस पड़ जाएगा सिर्फ 35,000 रुपया। इस एक्टिवा की पड़ जाएगा 35,000 प्राइस। और कौन सा मॉडल है ये? ये आपका 2016 मॉडल है। अच्छा, ये भी 16 मॉडल है। 35,000 में 16 की एक्टिवा भाई। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे भैया का नंबर आ रहा होगा, स्पेशलिस्ट कंडीशन में है। और आज की आखिरी जो है एंटर, ये है एंटर, ये भी BS6 है, 21 का मॉडल है। इसका प्राइस पड़ जाएगा 58,000 है। 58,000 में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ईस्टर्न बाइक बाजार में हमने आपको दिखा दिया जितना अभी स्टॉक था। यहाँ पे एंटॉर्क की काफी कलेक्शन, स्कूटी की काफी कलेक्शन है। यहाँ पे जो ड्रीम बाइक है हर किसी का, ESD की स्क्रैम्बलर या फिर एनफील्ड के ढेर सारे कलेक्शन, MT, V4, ड्यूक, सारे ऑप्शन हमने आपको दिखा दिया। कहाँ है? ईस्टर्न बाइक बाजार पे। और लोकेशन एक और बार बता दीजिए। लोकेशन है ईस्टर्न बाइक पास रोड नियर आशीघर मोड़, ऑपोजिट लोकनाथ बाजार। ऑपोजिट लोकनाथ बाजार, आशीघर रोड, आशीघर मोड़, ऑपोजिट लोकनाथ बाजार। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे भैया का नंबर आ रहा होगा, आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। भैया हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। और इधर में जो आप देखे सब मैक्सिमम जो है ICC गाड़ी है। जी बिल्कुल, माइलेज वाला गाड़ी चाहिए तो माइलेज वाला गाड़ी भी गोदाम में रखा हुआ, जैसे ग्लैमर, पैशन प्रो, स्प्लेंडर। माइलेज वाला सेक्शन अलग से रखा, माइलेज वाला सेक्शन अलग से रखा हुआ है। तो उसके लिए एक और वीडियो बना ले हम उसके लिए एक और वीडियो बना लेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको माइलेज वाला बाइक भी देखना है ईस्टर्न बाइक बाजार की, तो उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई बाइक से आपको कैसा लगा, डील आपको कैसा लगा। और बाकी आज की ये वीडियो यही तक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।